तैंकी प्रासंगिक होगा। आप देखते हैं कि बाबा जी ने जो है संविधान की रचना की, संविधान का निर्माता कहा जाता है, और आजकल संविधान की बात बहुत चल रही है, और ये भी चल रहा है कि संविधान को परिवर्तित कर दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविधान को कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार परिवर्तित नहीं कर सकती है। उसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं जो कि अगर आवश्यक है तब, और उसके लिए भी आपको जितना जनादेश चाहिए उतना जनादेश आपका पार्लियामेंट में या राज्यसभा में होना चाहिए, तब होगा। जिस समय बाबा जी ने यह संविधान बनाया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो संविधान है उसकी जो पहली पुस्तक तैयार हुई थी वो हैंड रिटन है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं की गई थी, जैसा कि आजकल आप देखते हैं कि कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट करते हैं, और उसकी वो जो प्रति है वो 13 दिन में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्तराखंड को इसका गौरव था, उत्तराखंड, यानी कि वो हस्तलिखित प्रति है संविधान की। तो देखिए कि कितना बड़ा काम किया, कितना बड़ा संविधान बनाया, और वो भी हस्तलिखित, फिर उसके बाद कॉपियां बनी होंगी, फिर उसके बाद उसकी प्रिंटिंग हुई होगी। ये कितना बड़ा कार्य है। हम बात करते हैं कि एक वर्ड आता है, हम बात करते हैं अनुसूचित। क्या है अनुसूचित, कोई बताएगा? अनुसूचित क्या हुआ, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ आपसे, हम जाति की बात नहीं कर रहे, अनुसूचित वर्ड जो है वो संविधान में उसको शेड्यूल किया गया है, जाति को वहां पर शेड्यूल किया गया है, इसीलिए उसको एससी बोला जाता है, शेड्यूल कास्ट, यानी कि उस अनुसूची में उस जाति का नाम है, इसीलिए